नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूँ मानसी जायसवाल। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के नतीजों में कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी को सत्ता से बेदखल करते हुए प्रचंड जीत दर्ज की है। कांग्रेस ने 135 सीटों पर जीत दर्ज कर ली है, जबकि बीजेपी इन चुनावों में 65 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। वहीं कर्नाटक में बीजेपी की हार को स्वीकारते हुए बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जनता के बीच में डबल इंजन की सरकार को वापस बनाने के लिए हमने प्रयास किए। 5 सालों में हमारी सरकार ने कर्नाटक में बहुत काम किया था, लेकिन लोकतंत्र में जनता का जो निर्णय होता है उसे स्वीकार करना होता है। अनुराग ठाकुर ने आगे कहा कि हमारी सरकार में कर्नाटक को सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ। हमारी सरकार में कर्नाटक का विकास भी तेज गति से हुआ, लेकिन प्रजातंत्र में कर्नाटक की जनता ने जो फैसला किया है उसे हमें स्वीकारते हैं। उन्होंने कहा कि हमने जो गलतियाँ हुई हैं हम उनकी पहचान करेंगे और उन पर काम करेंगे। कर्नाटक चुनाव में बीजेपी की हार से अब विपक्ष इस बात की ताल ठोक रहा है कि जैसा कर्नाटक में हुआ 2024 के लोकसभा चुनाव में भी विपक्ष एकजुट होकर ऐसा ही कर सकता है। लोकसभा चुनाव से पहले कई राज्यों में चुनाव हैं, जिनमें से छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्यों के विधानसभा चुनावों पर सबकी नजर रहेगी। मध्य प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी के नेता कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं, उसे देखते हुए इस बार वहां कांग्रेस की स्थिति मजबूत बताई जा रही है। अगर कांग्रेस इन तीनों राज्यों में सरकार बनाने में कामयाब रहती है तो यकीनन बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव में चुनौती खड़ी हो जाएगी। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज।